नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कर कमलों द्वारा आज ग्वालियर व्यापार मेले का हुआ शुभारंभ। सिंधिया ने कहा कि यह मेला मेरे पूर्वजों द्वारा किया गया था, जो कि 105 सालों से चला आ रहा है। संपूर्ण भारत एवं विदेश में भी जाना जाता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद आज 50% ऑटोमोबाइल पर छूट दी गई है। हमेशा मेले के लिए अच्छा ही सोचा है और विकास के मार्ग पर मेले को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की है और कोई ना कोई स्वागत सौगात मेरे द्वारा ग्वालियर की जनता के लिए मैंने दी है। इस मेले की स्थापना मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने 1905 में किया। किस दूर दृष्टिकोण के साथ उस समय एक पशु मेला की स्थापना की गई थी, ताकि अंचल भर के पूर्ण राज्य के समस्त किसान, हर एक इंसान राज्य की राजधानी ग्वालियर में उपस्थित होकर कि जो सोच हो, जो विचारधारा हो, हां वर्तमान की कठिनाइयों का समाधान तो हमें निकालना ही होगा। ग्वालियर से यतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।